आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 7 के लिए इंग्लिश में लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए गिफ्ट उपहार ऑफ चप्पल्स यानी चप्पलों का एक उपहार। पेज नंबर 18 पर है। पैराग्राफ नंबर 2 चल रहा है। मृदु डिडंट हैव मच टाइम। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट। हूज स्लीपर्स दे वर। Because Ravi dragged her to the backyard behind a thick wicker very bush. Pune Mridu didn't have much time. Mridu ko पर्याप्त समय नहीं मिला टू वॉन्डर अबाउट। यहाँ पर वॉन्डर अबाउट का मतलब होता है जानने के लिए या समझने के लिए। मृदु को यह जानने या समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। हूज स्लीपर्स, हूज माने किसकी, स्लीपर्स माने चप्पलें, दे माने वे, वर माने ही, कि वे चप्पलें किसकी थी, इसको जानने के लिए मृदु को पर्याप्त समय नहीं मिला। बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड, क्योंकि रवि ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीट कर ले जाना। रवि उसे घसीट कर ले गया, हर माने उसे, टू दी बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है पिछवाड़े में। बिहाइंड ए थिक बिटर वेरी बुश। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ए थिक माना होता है एक घने, बिटर का मतलब होता है एक कड़वी, वेरी वेरी का मतलब होता है बेर और बुश माने झाड़ी। एक कड़वी झाड़ी के पीछे रवि उसे घसीट कर ले गया। इस कारण मृदु को ये जानने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला कि ये चप्पलें किसकी थी। देयर वहां पर, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, ए टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न फुटबॉल का मतलब होता है एक फटी हुई फुटबॉल, एक टूटी या फटी हुई फुटबॉल के अंदर, लाइन, लाइन का मतलब पड़ा हुआ था, विद सेकिंग, सेकिंग का मतलब होता है बोरा, एक बोरे का टुकड़ा बिछा हुआ था, एंड फिल्ड विद सैंड और उसमें रेत भरी हुई थी, फील्ड माने भरी हुई थी, विद सैंड का मतलब होता है रेत, और ये फुटबॉल जो टूटी हुई थी उसके अंदर एक बोरे का टुकड़ा उसमें बिछा हुआ था और उसमें रेत भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और उसके अंदर एक बहुत ही छोटा बिल्ली का बच्चा लेटा या बैठा हुआ था। लेपिंग, लेपिंग का मतलब होता है चाटना, और वह चाट रहा था मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सैल, फ्रॉम ए कोकोनट, कोकोनट का मतलब होता है नारियल, हाफ सैल, हाफ सैल का मतलब होता है आधा टूटे हुए नारियल के ऊपर से छोटा बिल्ली का बच्चा
दूध को चाट रहा था या दूध पी रहा था। We found him. We माने हमने, found him, हमने उसे पाया। Outside the gate, गेट के बाहर की तरफ। this morning का मतलब होता है इस प्रातः काल हमने उसे दरवाजे के बाहरी तरफ पाया। He was moving and moving. He was moving and moving और वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। Poor thing, छोटा बेचारा जानवर, said Meena. मीना ने कहा कि वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था ये छोटा सा जानवर। ये बात मीना ने कही। It is a secret. It is, यह है a secret. Secret का मतलब होता है ये गुप्त बात है, यह गुप्त रहस्य है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है पाती विल लिव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। सुने अम्मा सेज, अम्मा कहती है पाती, पाती यहाँ पर दादी का लिए, दादी को इंगित करता है, दादी का नाम है। अम्मा कहती है कि दादी विल लिव का मतलब होता है चली जाएगी फॉर आवर पाडू मामाज हाउस कि हमारे पाडू मामाज के घर चले जाएगी। इफ यदि सी नोज यदि उसे इस बात की जानकारी मिल जाए कि वी हैव ए कैट कि हमारे पास एक बिल्ली है। अम्मा ये बात कहती है कि यदि दादी को या पाती को इस बात का पता चल जाए कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वे हमारे पाड़ू मामा के घर चले जाए। पिपिल आर ऑलवेज टेलिंग, पीपल माने लोग, आर माने है, ऑलवेज माने हमेशा, टेलिंग माने बताते हैं, अस माने हमें, लोग हमें हमेशा ये बताते हैं। टू बी का मतलब होता है बनो, काइंड माने दयालु, टू एनिमल्स माने जानवरों के प्रति, लोग हमें कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयावान बनो। बट किंतु वहन भी आर, किंतु जब हम वहन भी आर इसका अर्थ है जब हम दयावान बनते हैं। यहाँ पर ये दो अक्षरों का अर्थ यहाँ पर यह है कि वहन भी आर कि जब हम दयावान बनने बनते हैं तो दे स्क्रीम वे चीखते और चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रेचर, डोंट ब्रिंग मत लेकर के आओ दैट डर्टी क्रेचर इस गंदे प्राणी को, हेयर माने यहाँ, इस गंदे प्राणी को यहाँ लेकर के मत आओ, सेड रवि, रवि ने कहा कि इस गंदे प्राणी को यहाँ पर लेकर के मत आओ। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।